बैंस अगेंस्ट सी डबल ए, एनआरसी और एनपीआर के तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहां आए हैं जंतर मंतर में, शाहीन बाग में खड़े हैं, ठंड में बैठे हैं, कानपुर में। उसी क्रांति 1917 के मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल था वुमेन का, लोग इनको जानते नहीं है। पेट्रियार्की इसको ख़त्म करना चाहती है कि ये हिस्ट्री इतिहास नहीं लिखा जाता है। कभी आप समय मिलेगा तो आप गोर्की के मदर करेज को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप हिंदी उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी उर्दू में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है। हिंदुस्तान में भी महाश्वेता देवी बहुत बंगाली में लिखते हैं, लेकिन उनका तर्जुमा हिंदी उर्दू अंग्रेजी 15-16 भाषाओं में हुई है। उनके लेख और अनुवाद उनके कहानी है, और एक बहुत बढ़िया उन्होंने नाटक लिखा हजार चौरसिया का माँ, जिससे उनको दिखाते हैं कि औरत ही स्तंभ है आंदोलन का। और ये आप लोगों ने दिखा दिया है शाहीन बाग में, कानपुर में, कलकत्ता में, और कल से शुरू हुआ है बम्बई में भी यहाँ पे ये आंदोलन। कभी कोई भी पेट्रियार्कल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है सोसाइटल चेंज के लिए, सामाजिक चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, जब तक पूरा हिस्सेदारी महिलाओं का हो। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस आंदोलन में आए, और ये आरएसएस और बीजेपी को अलविदा जितना जल्द कर सकें हम जल्द करें। एनपीआर को हमने डट के मुकाबला करना, जब अपने घर में आए कि आपको एनुमरेशन करना है तो हमने दरवाज़ा बंद करके कह देना कि टाटा बाय बाय। एनपीआर को एक शब्द भी सुनना नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा सुनना नहीं है। हमारा आंदोलन नॉन वायलेंट होगा, पीसफुल होगा, लेकिन हम लोग डट के लड़ेंगे। और अगले 3-4 महीने में अगर सरकार को अकल नहीं आए, क्योंकि ये तो बड़ा बुद्धि विरोधी सरकार है, अकल से इनका बड़ा दूर रिश्ता है, तो हमको जेल जाना तैयारी करना होगा, सिविल नाफरमानी होगा। पूरा हिंदुस्तान में पूरे जेल के अंदर 3 लाख ही जगह है, अगर हम लोग 10 लाख 5 लाख लोग चले जाए तो यह सरकार फेल, सरकार डमडम। ये इस सरकार को हमको खत्म करना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं, हर सुबह उनके मुंह से सच का नाम निकलता नहीं है। हम लोग चुपचाप रहे, जिस तरीके से आप लोगों ने कश्मीर पे जुल्म किया है, हम लोगों ने आवाज़ उतनी बुलंदी से नहीं उठाया है। जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद पे हमला बोला है और हमलावर को आपने तोहफा दे दिया है, ये हमको नामंजूर है। आप माइनॉरिटी राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं हर पहलू पे। कोई जमहूरियत बिना माइनॉरिटी राइट्स नहीं रह सकती है जमहूरियत। द यार्डस्टिक ऑफ अ डेमोक्रेसी इज हाउ यू ट्रीट योर माइनॉरिटीज, दैट इज द यार्डस्टिक। और जिस तरीके से ये लोग ट्रीट कर रहे हैं, ये तो सेकंड क्लास सिटीजंस बनाना चाहते हैं आज मुसलमानों को, कल बनाएंगे क्रिश्चियंस को, क्योंकि इनके पास बिल तैयार है एंटी कन्वर्शन लॉ का। और ये कोई गलतफहमी में नहीं रहे, तीसरा दर्जा लाइन पे खड़ा हो है दलित, और अभी तो आदिवासियों पे छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में तो प्रहार हो ही रहा है। उनके जमीन चाहते हैं, आदिवासी को नहीं जानते, वो केवल चाहते हैं कि आदिवासी की एक झांकी आ जाए 26 जनवरी को, आदिवासी को नहीं चाहते, वो जमीन चाहते हैं ताकि ये अंबानी और अदानी और पता नहीं कौन सा वानी सब इनके चमचे ये ले जाए सारा खुद एक माइंस के पदार्थ। तो आप समझ लीजिए, यू आर द स्ट्रेंथ। अगर कुप्स्काया लेनिन के पीछे नहीं होती तो लेनिन नहीं होते। आप समझ लीजिए कि एवरी मूवमेंट इन दिस वर्ल्ड, हाफ द वर्ल्ड इज हेल्ड अप बाय विमेन, ये कभी नहीं बोलिए। हाफ द वर्ल्ड इज हेल्ड अप बाय विमेन, ये कभी नहीं बोलिए। ये आपकी ताकत है, और कभी झुकना मत,
इस आंदोलन को चलाते जाइए, जहां तक हम लोग मर्दों की ताकत है हम साथ रहेंगे, बट यू आर द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज अ ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश, द ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश इज इफ यू वॉन्ट टू टीच 1%, गो एंड डू अडल्ट एजुकेशन। इफ यू वॉन्ट टू टीच अ फैमिली एंड अ कम्युनिटी, टीच वन मदर, टीच वन मदर। तो आप दिखा रहे हैं कि आपके मदरहुड, आपके सिस्टरहुड, आपके डॉटरहुड इस आंदोलन को आगे चलाएगा। इंकलाब, इंकलाब। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।